और एक वाक्य उनका बड़ा प्रसिद्ध रहता था, हमको मिलते थे बोलते मैं आपका बंदा हूं, और उनको मिलते थे बोलते मैं आपका बंदा हूं। ऐसा उनके एक स्वभाव का एक हिस्सा था, वह मैं आपका बंदा हूं ऐसा करके वो बोलते थे। तो कई बार हम मजाक में पूछते थे भैया आप किसके बंदे हैं, बोलते मैं आपका बंदा हूं। तो ऐसा उनका एक स्वभाव था। स्वर्गीय श्री मनसाराम जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, एक हरफन वाला नेता जिसको मैं कह सकता हूं कि तनाव के माहौल को भी शांत करने वाले, खुश करने वाले, ऐसा उनका एक बहुत बड़ा एक व्यक्तित्व था। मेरा परिचय पहले चलते फिरते तो हुआ था, लेकिन उसके बाद जब 1998 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में चुन करके आया तो पहला परिचय ठीक प्रकार से उनके साथ तब हुआ था। और हिमाचल प्रदेश में उस वक्त सरकार बनाने के लिए एक विधायक की आवश्यकता थी, इस तरह का जनमत उस वक्त आया था, और वो उस वक्त हिमाचल विकास कांग्रेस की तरफ से चुन करके आए थे। और राजनीतिक में परिस्थिति इस प्रकार की बन जाती है, हमारा गठबंधन उनके साथ उस दिशा में आगे बढ़ा और हिमाचल से बाहर उनके साथ हम कई दिनों तक हम सब लोग इकट्ठा रहे। उस वक्त सरकार बनाने के लिए जो प्रयास हो रहे थे उस दौरान, तो बहुत सारी चीजें वो साझा करते थे। खासतौर से वो ऐसे व्यक्ति थे जो डॉक्टर वाई एस परमार के मंत्रिमंडल में रहे थे, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जिक्र किया, और उस वक्त के अनुभव का जिक्र करते थे, उस वक्त की बातों का जिक्र करते थे वो। और खास तौर से सबके साथ अच्छी तरह से मिलना, अच्छी तरह से, और एक वाक्य उनका बड़ा प्रसिद्ध रहता था, हमको मिलते थे बोलते मैं आपका बंदा हूं, और उनको मिलते थे बोलते मैं आपका बंदा हूं। ऐसा उनके एक स्वभाव का एक हिस्सा था, वह मैं आपका बंदा हूं ऐसा करके वो बोलते थे। तो कई बार हम मजाक में पूछते थे भैया आप किसके बंदे हैं, बोलते मैं आपका बंदा हूं। तो ऐसा उनका एक स्वभाव था। लंबे समय तक राजनीति में रहे, और जैसा बताया कि 1967 के पश्चात वो कई बार आते रहे, चुनाव जीतते रहे, हारते भी रहे, लेकिन ये भी मैं पहली बार देख रहा हूं कि पहली बार क्या, यानी कि मैं ऐसी परिस्थिति की, इतने वरिष्ठ होने के बावजूद मैं अंत में उनको सीपीएस भी बनाया गया। एक ऐसी भी परिस्थिति उनके जीवन में आई,